इस वक्त मैं आपके साथ हूँ प्रेरणा जोशी न्यूज़ लाइव राजस्थान से। आषाढ़ में कम अब सावन में ही बरसेंगे मेघ। बाड़मेर जोधपुर और चूरू से होकर गुजर रही मानसून की रेखा। पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय लेकिन फिर भी धीमा रहा बारिश का दौर। अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की संभावना। आषाढ़ के बादल प्रदेश के कई इलाकों में छाए रहे हैं लेकिन अब भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों को झमाझम बारिश का इंतजार है। आगामी 17 जुलाई से सावन मास शुरू होगा और फिलहाल मौसम के मिजाज को देखते हुए अगले 3-4 दिन और बारिश का दौर सुस्त रहने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून अब सावन मास में ही मेहरबान होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2-3 दिन बाद ही पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर सुस्त रहने का अंदेशा है। बंगला की खाड़ी के साथ अन्य इलाकों में फिलहाल कम वायुदाब क्षेत्र नहीं बन रहा है जिसके चलते बादलों की आवाजाही रहने के बाद बावजूद मेघ प्रदेश के कम मेहरबान हो रहे हैं। मानसूनी रेखा फिलहाल बाड़मेर जोधपुर और चूरू होकर गुजर रही है। वहीं अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून छाने व झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हुई जबकि प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को अब भी मानसून की पहली बारिश होने का बेसब्री से इंतजार है। पूर्वोत्तर इलाकों में दिन व रात में तापमान सामान्य सा उससे कम ऊर्जा हो रहा है जबकि पश्चिमी इलाकों में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने पर गर्मी व उमस का जोर बना रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह आसमान साफ रहा और आज सुबह 6 बजे अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार शहर में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक जयपुर में शाहपुरा 50 और रामगढ़ क्षेत्र में 22.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं झुंझुनू में बुहाना 76, खेतड़ी 27, सीकर में रायपुर पाटन 50, धौलपुर 69, सेपऊ 58, राजाखेड़ा 42, दौसा के रामगढ़ पचवारा 33, भरतपुर के रूपवास में 24 और अलवर के थानागाजी में 36 मिलीमीटर पानी बरसा।